गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथोलॉजी क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पैथोलॉजी इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल और वैसिक्यूलर मोल। देखिए, ये एक रेयर मास ग्रोथ है जो कि वॉम्ब यानी यूट्रस के अंदर दिखाई दे रही होती है प्रेगनेंसी की शुरुआत में। हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, जिसको आप वैसिकुलर मोल भी कहते हैं, ये प्रेगनेंसी के शुरुआत में यूट्रस के अंदर एक रेयर मास ग्रोथ दिखाई दे रही होती है, जिसको आप मोलार प्रेगनेंसी या वैसिकुलर मोल कहते हैं। ये पिक्चर देखिए, नॉर्मल यूट्रस होता है, ये मोलर प्रेगनेंसी का यूट्रस है। डेफिनेशन क्या है? ये एक प्लेसेंटा की एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें पार्टली डीजेनरेटिव या प्रोलीफरेटिव चेंजेस आ रहे होते हैं क्रॉनिक विल्लाई के, या क्रॉनिक विल्लाई में प्रोलीफरेटिव डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग साइज के स्मॉल सिस्ट का क्लस्टर बन जाता है, बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा क्लस्टर बन जाता है यूट्रस के अंदर। ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल की पिक्चर, रियल पिक्चर देखिए, नॉर्मल प्लेसेंटा, और ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल की प्लेसेंटा देखिए। इंसिडेंस अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग इंसिडेंस है। इंडिया के अंदर 400 में से एक प्रेगनेंसी में ऐसा देखा जा रहा होता है। टाइप दो तरह के मोल होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट को आप पार्शल हाइड्रेटिफॉर्म मोल भी कहते हैं। अब कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल जो है, ये प्लेसेंटल टिश्यू है जिसमें एबनॉर्मल स्वेलिंग दिखाई देती है, स्वॉलन टिश्यू है जो कि फ्लूड फिल्ड सिस्ट जैसा दिखाई देने लग जाता है, मतलब इसमें फ्लूड फिल्ड सिस्ट बन जाती है पर फीटल टिश्यू नहीं बनता। फीटल टिश्यू नहीं बन रहा तो ऑब्वियस इसमें फीटस एब्सेंट होगा, और यूट्रस का साइज जो होता है वो उस डेट से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होता है। मतलब क्योंकि हम जब प्रेगनेंसी पढ़ते हैं ना, तो हर एक डेट, हर मंथ में, हर वीक के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इतना इतना साइज होना चाहिए, और वो जो साइज है नॉर्मल उससे बड़ा साइज इसमें दिखाई देता है। हालांकि फीटस एब्सेंट है, उसके बावजूद यूट्रस का साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर फ्लूड फिल्ड सिस्ट भर जाते हैं। एबनॉर्मल स्वॉलन एंड अपीयर टू फॉर्म फ्लूड फिल्ड सिस्ट आपको दिखाई दे रहा होता है प्लेसेंटल टिश्यू में। ये देखिए, प्लेसेंटल टिश्यू में सिस्ट। अब ये नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू भी हो सकता है। ये तो हमने पढ़ा था कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल, दूसरा हम पढ़ रहे हैं पार्शल हाइड्रेटिफॉर्म मोल। इसमें नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू भी हो सकता है और एबनॉर्मली फॉर्मिंग प्लेसेंटल टिश्यू भी हो सकता है। इसमें फीटस का फॉर्मेशन होता है पर वो फीटस जो है लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो फीटस दिखाई देगा और यूट्रस का साइज डेट से छोटा होता है। ये भी नॉर्मल नहीं होता, डेट से छोटा दिखाई देता है। तो ये इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी। अब इस कारण क्या कारण है? मैटरनल एज इसका बहुत बड़ा कारण होता है। पहले भी अगर कोई मोलार प्रेगनेंसी रही हो, न्यूट्रिशन अगर सही नहीं है, साइटोजेनिक कोई एबनॉर्मेलिटी किसी में आ रही है, तो देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर 23 हैप्लॉइड जो स्पर्म है वो 23 वाले हैप्लॉइड ओवा से फ्यूज़ हो रहा है। दोनों फ्यूज़ हो गए तो 46 डिप्लॉइड जाइगोट जो है बनेगा। नॉर्मल कंसेप्शन में 2 सेट्स ऑफ जीन्स होते हैं, 1 पैटर्नल 1 मैटर्नल, और इसमें नॉर्मल फीटस बनता है। जबकि हाइड्रेटिफॉर्म मोल देखिए, कंप्लीट मोल के अंदर ओवा से स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो रहा है और 46 बन रहा है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ पैटर्नल जीन्स होते हैं, मेटल जीन्स नहीं होता भाई। क्योंकि देखो ये मेटल जीन दिखाया गया एरो से, 23 रेड कलर से तो हट गया, ये फादर वाला 23 यहाँ पर है, तो 23 दो मिलकर के बने तो 46 दिखाई दे रहा है। पर ये 46 कैसा है? पैटर्नल जीन्स का है, केवल 2 सेट्स ऑफ पैटर्नल जीन्स, केवल फादर के 2 सेट ऑफ जीन्स है, मदर के नहीं है इसके अंदर। तो जब मदर के है ही तो फीटस कैसे डेवलप होगा? इसलिए कंप्लीट मोल से कभी फीटस डेवलप नहीं होता। अब पार्शल में देखिए, पार्शल में फीमेल का एक न्यूक्लियस है 23 सेट वाला, और दो जो है वो पैटर्नल सेट ऑफ जीन्स आते हैं, तो 69 जाइगोट के अंदर आपको क्रोमोसोम का सेट दिखाई देगा। ये पार्शियल मोल है जिसमें 3 सेट्स ऑफ जीन्स होते हैं, एक मेटल का, 2 पैटर्नल का, और इसमें फीटस बनता है पर वो ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता, नॉन वायबल फीटस। अब कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल के पैथोजेनेसिस देखिए भाई, 23 एक्स क्रोमोसोम ओवम से फ्यूज हो रहे हैं, मेटर्नल क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, पैटर्नल क्रोमोसोम का यहाँ डुप्लीकेशन हो गया, या आप कह दीजिए पैटर्नल डिस
स्पर्मी हो गया है। यहाँ पर पैटर्नल क्रोमोसोम ही है, केवल 46XX बन रहे हैं। सेल का डुप्लीकेशन हुआ, ये होमोजाइगस है 90% में देखने को मिल रहा होता है। ये पार्शियल हाइड्रोफॉर्म मोल में देखिए डिस्पर्मी हो गई है, दो पैटर्नल एक मैटर्नल फ्यूज हुए और 69XXY बन गया, ट्रिप्लॉयड 69XXY सेल्स जिसमें मेटल पैटर्नल क्रोमोसोम से इस तरह से ही बना है। अब हाइड्रोफॉर्म मोल के साइन सिम्टम्स क्या है, किससे पहचानोगे? डार्क ब्राउन से लेकर ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कई बार ये जिलेटिनस फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, रिसेप्ट्स के रप्चर हो जाने से दिखाई देता है। जिलेटिनस फ्लूइड लीक होता हुआ दिखाई देगा भाई वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होगी या फिर रप्चर से फ्लूइड निकल रहा होगा। नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, वो भी बहुत सीवियर वाला। वेजाइनल पैसेज से कई बार सिस्ट जो है ग्रेप लाइक सिस्ट भी निकलते हुए दिखाई देते हैं। पैल्विक प्रेशर पड़ता है जिससे कि दर्द होने लगता है। और दूसरे साइंस के अंदर यूट्राइन ग्रोथ काफ़ी तेजी से हो रही होती है, प्री इक्लैम्सी और एनीमिया। प्री इक्लैम्सिया हाइपर टेंशन को कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन जो है प्रेगनेंसी दौरान जो बीपी हाई होती है वो प्री इक्लैम्सिया कहलाती है। और एनीमिया जैसे साइन भी इसमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए रियल पिक्चर है सिस्ट की, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जैसे दिख रहे हैं ना ये। डायग्नोस कैसे करें भाई, पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट कर लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए, CBC करके देख सकते हो, ABO ब्लड ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग कर सकते हो, USG करवा सकते हो, एक्सरे करके देख सकते हो, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, यूरिन टेस्ट में HCG की ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेगी, CT स्कैन और MRI। हालांकि इसको रिकमेंड नहीं किया जाता पर फिर भी ये यूज़ किया जा सकता है। ये माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दिखाए गए हैं, कोरियोनिक विल्लाई जो है वो क्लस्टर ऑफ वेसिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो गई है। वेरिएबल डायमेंशंस के हाइड्रोफॉर्म मोल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बंच ऑफ ग्रिप्स में से बनते हुए दिख रहे हैं। बस ठीक है, मैनेजमेंट में आप ऐसे में एक बार के लिए IV ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर दीजिए, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो और ब्लड को जो है वो रिजर्व करके रखो। बस ठीक है, मैनेजमेंट खुद से देख लीजिए, हिस्टेक्टॉमी वगैरह कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हैमरेज हो सकता है पर्सन को, इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस में परफोरेशन भी हो सकता है, प्रीक्लैम्सिया, परफोरेशन मतलब छेद, हैमरेज, ब्लीडिंग, सेप्सिस, इन्फेक्शन और प्रीक्लैम्सिया प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को कहते हैं। अब मैनेजमेंट मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये तो आपके MSN में इंपॉर्टेंट है, हमारे पैथोलॉजी का इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा बाकी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू क्लास।